ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति को क्या पब्लिक डोमेन में बोलने की आजादी होनी चाहिए? हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम दर्शाता है। खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताने वाला शोएब जमाई न जाने कितनी बार हिंदू देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां भी करता हुआ पाया जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शोएब जमाई भारत के मुद्दे बाजार का एक नया मुद्दा जिसपे चर्चा बहुत तेज है, और चर्चा हो भी क्यों ना, एक लाइव डिबेट के दौरान शोएब खान ने इसको कूट दिया। और कूटने की वजह मैं बताऊं, उससे पहले ये बता दूं आपको, आखिर शोएब जमाई है कौन। शोएब जमाई खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताता है और आजकल इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले तमाम जो भी एक्टिविस्ट होते हैं या राजनीतिक लोग होते हैं वो अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं, और 2024 चुनाव के मद्देनजर ये देखने को मिलेगा भी। ओवैसी समेत तमाम मुस्लिम नेता खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार या इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, उसमें से शोएब जमाई भी एक। शोएब जमाई भारत के तमाम टीवी डिबेट में जाके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से भी नहीं चूकता। फिल्म मेकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर एक पिक्चर बनाए और वो उस फिल्म का नाम जय श्री राम रख दे, नहीं चूकता। वो खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताने में इस तरह से चूर हो जाता है कि वो सबसे पहले हिंदुत्व, हिंदू, और उसके बाद उस व्यक्ति पे पर्सनल हमले करने लग जाता है जो उस डिबेट में इस इंसान के अगेंस्ट में बैठ के डिबेट कर रहा होता है। और इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस डिबेट के शुरुआत में पहले तो इसने हिंदुओं का अपमान किया, भगवान राम की अवहेलना की, उसके बाद डिबेट करते करते ये सुबोई खान पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगा, जिसके बाद सुबोई खान ने अपना आपा खो दिया और इसको कूट दिया। आपको बता दें कि सुबोई खान एक मुस्लिम महिला है और एक्टिविस्ट है जिन्होंने एक हिंदू परिवार में शादी की है, जिसके बाद से ही तमाम इस्लामिक स्कॉलर और जो अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं वो इनके ऊपर हमलावर होते हैं। यही हुआ डिबेट के दौरान सुबोई खान के बच्चे को लेके इसने कुछ कहा और उसके बाद इसकी जो कुटाई हुई वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस पूरे मामले के बाद शोएब जमाई ने एक ट्वीट किया, ट्वीट करके अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बोला कि मेरे रोम रोम में भारत माता बसती हैं, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, देश के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा। और लास्ट में उसने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की कि मैं देश के एक पासमानदा मुसलमान की रक्षा करने की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करता हूँ। जब बाल कहीं नहीं गली तो ये खुद को पासमानदा मुस्लिम बता के मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करने लगा। अब आखिर ये ट्वीट क्यों किया? क्या थप्पड़ खाने के बाद इंसान ट्वीट करने लगता है? तो नहीं, उससे एक दिन पहले, इस वाक्य से ठीक एक दिन पहले स्वयं जमाई ने जो जहरीले सांप की तरह जहर उगला था उसका ये वीडियो देखिए। कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल। तुम्हारे बाप का देश तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है जिन्होंने 1857 की क्रांति में, कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल नहीं किया। कान खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का, जिसको हमारे आबा आजाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये निर्धारित आपको करना है कि क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भारत में इतने प्यार से रहते हैं उनके बीच में दरार डालने वाले इस जहरीले नाक को भारत के किसी भी पब्लिक डोमेन पे बोलने की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे भारत के टुकड़े टुकड़े करना, समाज को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट देना या समाज को तोड़ना इसकी जाहिलियत को दर्शाता है। खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताने वाला शोएब जमाई न जाने कितनी बार हिंदू देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां भी करता हुआ पाया जाता है। देश के 125 करोड़ लोगों से मेरी ये अपील है कि ये आपको निर्धारित करना है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति को क्या पब्लिक डोमेन में बोलने की आजादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो आप भी ट्रेंड कराइए #arrestshoaibjamai। जय हिंद, वंदे मातरम।